बहुत नाजरीन असलास बेनजीर प्राम की अब तक की सबसे टॉप क्लास अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिन लोगों के पास एन एस सी आर की पर्चियाँ और टोकन मौजूद है उनकी अब किस्मत जाग चुकी है इस सास कफालत और बेनजीर प्रम के ऐसे लोगो को अब सात हजार और पच्चीस हजार की किस्त मिलने जा रही है ये किस्त आपको कब जारी की जाएगी और काफी लोग बच्चों के वजीफे के बारे में बार बार पूछ रहे हैं की हमारे बच्चों का वजीफा कब आएगा और हमें कब मिलने जा रहा है तमाम तफसी आपको बताए के बगैर उससे पहले आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाकर आल पर सिलेक्ट कर लें ताकि बेरजीर प्राप्त और एहसास की नई मालूम आपको टाइम पर मिल सके जी हाँ तो जिनके पास एन की पर्चियाँ और टोकन मौजूद है उनको हुकूमत पाकिस्तान ने खुशखबरी सुनाती है अब ऐसे तमाम लोगो को सात हजार रूपए की किस्म मिलेगी और ऐसे अफरा पच्चीस हजार की रकम को भी हासिल कर सकेंगे अब बहुत बड़ा सवाल ये भी है क्या ये पर्चियाँ जो की पहले हमारे पास पड़े हुई थी 2021 में कुछ लोगों ने सर्वे कराया था जो कि टीमें घर घर आकर सर्वे करती थीं 2020 में भी लोगों ने सर्वे कराया था और उसी सर्वे के तहत उन्हें कोरोना वाली इमदाद जारी की गई थी जो कि बारह हजार रूपए की थी लोगों का ये कहना है की हमारे पास तो वही पर्चा पड़ी हुई है क्या उनसे भी सात हजार की और पच्चीस हजार की किस्त ली जा सकती है तो आपको बताते चले हुकूमत पाकिस्तान की तरफ ऐसी जितने भी लोगों ने पर्चियाँ और टोकन निकलवाए थे अगर वो एहसास गफालत और बेनजीर प्राप्त अहल है तो उनकी इमदाद बंद नहीं की जाएगी उनको अभी भी इमदाद मिलती रहेगी तो हम ऐसे लोग जिनके पास पुरानी पर्चियाँ मौजूद है जिसमे हाथ से लिखी गई पर्ची है या उनके पास ऐसी पर्चिया मौजूद है जो की प्रिंट शुदा है रसीद निकाली गई है उनसे तो ऐसे अफराद को बताते चले अगर आप एहसास और बेजीर में अहल है इमदाद मिल रही है तो आपको दोबारा से पर्चियाँ हासिल करने की जरूरत नहीं है अगर हुकूमत पाकिस्तान ने आपको जाँच पड़ताल में डाला हुआ है या आप आपको नाहल कर दिया है क्योंकि आपको बताते चले काफी लोग जिनकी जांच पड़ताल चल रही है तो उनको भी हकूमत ने नाहल किया हुआ है जांच पड़ताल वालों को ये कलियर करते चले जांच पड़ताल जिनकी चल रही है उनको भी हकूमत पाकिस्तान ने सकोर के बढ़ने की वजह से नाहल कर दिया है तो ऐसे अफराध को चाहिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ ऐसी अब जो नया ऐलान जारी किया गया है उसके लिए आपके पास जरूरी है आपके पास एन एस सी आर की पर्ची और टोकन होना चाहिए अगर ये चीज आपके पास मौजूद होगी जो कि इसी महीने की बात की जा रही है अगर इसी महीने में आपने ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया क्यूँकी हकूमत पाकिस्तान ने बता दिया है कि हम नादरा के तहत अब नया सर्वे और रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं जितने भी लोग नाहल कर दिए गए हैं या जांच पड़ताल में डाले हुए हैं अगर आपको साल हो गया है या छह महीने का अरसा हो गया है तो अब भी आप इस नए सर्वे के तहत जो कि इसी महीने से शुरू हो गया है आप भी कराकर अपने आप को अहल करवा सकते हैं और नाहली से बच सकते हैं तो ऐसे तमाम अफराद को अब सात हजार रूपए की किस्त भी मिलने जा रही है जिनको पच्चीस हजार की इमदाद मिलनी चाहिए थी लेकिन नाहली की वजह से उनको भी नहीं मिल पाई अगर वो इसी दौरान अहल हो जाते हैं काफी असला में पच्चीस हजार की किस्त भी जारी की जा रही है आपको भी पच्चीस हजार की किस्त मिल सकती है जो लोग पच्चीस हजार की किस्त को नहीं हासिल कर पा सकेंगे तो ऐसे अफराद को हुकूमत सात हजार रूपए की किस्त देगी मगर यह है की रजिस्ट्रेशन इसी महीने की हो या अगले महीने की होनी चाहिए ताकि आपका सकोर का तयन हो सके और फिर हुकूमत आपको भी अहल करना शुरू कर देगी वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करने मिलते हैं अगली अपडेट के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज